देखिए मेरे कहने के बाद पवन भाई यहाँ पे लग चुके हैं, अपना फुल एक्सीलेटर यहाँ पे चालू कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने पीस भी यहाँ पे ले लिया है, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खाते हुए। और देखिए ये किस तरह खा रहे हैं, इनके खाने का अंदाज बहुत ही अलग है। ये तो काफ़ी स्पीड से खा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि पवन भाई को ये पीछे कर देंगे और यहाँ पे ये जीत जाएंगे। बहुत ही बढ़िया काछी शो यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारी थाली में एक बार फिर स्पाइसी चिकन करी और चावल खाने का ईटिंग चैलेंज लगा हुआ है। तो देखेंगे कौन सा प्रतिभागी सिर्फ खाने का मजा लेके जाता है और कौन यहाँ पे 1200 रुपए इनाम की राशि जीतकर अपने घर ले जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए दोनों चैलेंजर आ चुके हैं, एक का नाम है रुद्र भाई और दूसरे का नाम है पवन भाई। तो अभी यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच में चैलेंज होने वाला है, कौन इस चैलेंज को यहाँ पे अंजाम दे करके यहाँ पे जीत के जाता है और कौन यहाँ पे सिर्फ खाने का मजा लेके जाता है। तो अभी यहाँ पे पवन भाई आपके पास जो भी इनाम की राशि हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आप चैलेंज करना चाह रहे हैं। 700 बहुत बढ़िया, यहाँ पे पवन भाई ने 700 रुपए रख दिए हैं। तो रुद्र भाई आपके पास जितना हुई आप भी रख सकते हैं, 500 रुपए। बहुत सही, तो अभी यहाँ पे भाई ने 500 रुपए रखे हैं, तो लेकिन इनके पास 200 रुपए कम है, पर इनको चैलेंज से हम आउट नहीं करेंगे, इनको चैलेंज करने का मौका देंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे पवन भाई के लिए यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट करते हैं। रुद्र भाई टाइमर को उठा लीजिए और यहाँ पे आप पवन भाई के लिए टाइमर को स्टार्ट कर दीजिए। मोबाइल को थोड़ा आगे ऐसे दिखाइएगा और थोड़ा स्क्रीन के इधर कर लीजिए ऐसे। तो अब यहाँ पे जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा आपको खाना स्टार्ट कर देना है। चलो भाई इसके लिए टाइमर स्टार्ट कर दो, 1 2 3। बहुत सही पवन भाई, खाना स्टार्ट करिए। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे पवन भाई ने खाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही स्लो तरीके से ये खाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके ये खा रहे हैं। भाई जी थोड़ा सा स्पीड और आप अपनी बढ़ा लीजिए, क्योंकि इस हिसाब से अगर खाएँगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप कुछ यहाँ पे चैलेंज को अंजाम दे पाएंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए मेरे कहने के बाद पवन भाई यहाँ पे लग चुके हैं, अपना फुल एक्सीलेटर यहाँ पे चालू कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने पीस भी यहाँ पे ले लिया है। इस हिसाब से देखिए रुद्र भाई अभी पवन भाई को देख रहे हैं और बहुत ही गंभीरता से देखते हुए रुद्र भाई, क्योंकि अभी इन जो भी टाइमर पवन भाई इनको देंगे वो अभी रुद्र भाई को कंप्लीट भी करना पड़ेगा। अगर ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो यहाँ पे निराश होकर इनको घर भी जाना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिए पवन भाई बड़े ही मज़े से खाते हुए और यहाँ पे नींबू भी खा रहे हैं। भाई जी इसमें नींबू का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ इसको रख दिया गया था, आपको अपना पीस और चावल को ख़त्म करना है टाइम के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे देखिए 52 से 53 सेकेंड हो चुके हैं लगभग, और यहाँ पर अभी इनका थोड़ा सा चावल बीच में बचा हुआ है। तभी यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। पवन भाई थोड़ी सी स्पीड और अपनी आप बढ़ाइए, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये यहाँ पे जो खा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से खा रहे हैं, फिलहाल इनका जो ठीक है जिस तरह भी खा रहे हैं इनको खाने देंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए पवन भाई को खाते हुए, मुझे तो ये खाते हुए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। 1 मिनट 17 सेकंड हो चुका है, पवन भाई यहाँ पे लग रहा है चावल को चबा नहीं रहे हैं और बिना चबाए ही सीधे निगल जा रहे हैं। ये देखिए इनके पीस खाने का अंदाज, इन्होंने यहाँ पर देखिए अभी पीस को भी पूरी तरह से तोड़ दिया है जो कि चिकन का पीस है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से खाते हुए पवन भाई। तो अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए पवन भाई ने पूरी तरह से मुंह में भर लिया है अभी चावल को भी, इनको खाने में मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है। 1 मिनट 50 सेकंड अभी हो चुके हैं इनके, और अभी यहाँ पे इनका चैलेंज पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये इसको पूरा खाली करके आप मुंह खोल के नहीं दिखाएंगे आपका चैलेंज वायलेट नहीं माना जाएगा पवन भाई, इसलिए आपको इसको खाते हुए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये देखिए अभी पवन भाई ने यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल थोड़ी बहुत कर ही लिया है, जो कि बार बार मैं इनसे कह रहा था। तो अब यहाँ पर देखिए पवन भाई का ये चैलेंज मेरे हिसाब से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा टाइम पवन भाई ने यहाँ पे ले लिया है। तो अभी उसी हिसाब से यहाँ पे रुद्र भाई को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से पवन भाई यहाँ पे खा रहे हैं तो रुद्र भाई को भी अपनी स्पीड को अंजाम देना पड़ेगा। अभी बस थोड़ा सा और बचा है पवन भाई, इसको ले लीजिए तुरंत, आपका यहाँ पर जो है चैलेंज समाप्त हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा और बचा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अभी लगभग यहाँ पे पवन भाई की थाली खाली हो चुकी है, थोड़ा सा इनका पीस बचा है, वो भी इन्होंने यहाँ पे देखिए पूरी तरह से तोड़ के निचोड़ दिया है। और अभी इनके मुंह में जो बचा हुआ है इसको खोल करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो लगभग यहाँ पे 2 मिनट 45 सेकेंड हो चुके हैं। भाई थोड़ा सा और बस जल्दी से पानी पी करके मुँह खोल के दिखा दो तो यहाँ पर आपका चैलेंज जो है कम्प्लीट हो जाएगा। भाई 3 मिनट के अंदर तो कम से कम खा ही लो भाई, बहुत स्लो तरीके से खा रहे हैं। देखिए पवन भाई इनको बार बार मैं कहते हुए फिर भी ये यहाँ पे देखिए काफ़ी स्लो तरीके से खाते हुए, और लगभग इनका जो है 3 मिनट के अंदर पूरा हो चुका है। ये देखिए खाली हो गया है, तो यहाँ पे टाइमर इसके लिए रोक दिया जाए। बहुत बढ़िया, पवन भाई का चैलेंज यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पे रुद्र भाई जी आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे पवन भाई जी टाइमर चालू कर दीजिए रुद्र भाई के लिए। तो देखते हैं ये कितने मिनट में खत्म कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे टाइमर शुरू हो गया, रुद्र भाई खाइए। ये देखिए यहाँ पे रुद्र भाई खाना स्टार्ट कर चुके हैं और ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खाते हुए, और देखिए ये किस तरह खा रहे हैं, इनके खाने का अंदाज बहुत ही अलग है। ये तो काफ़ी स्पीड से खा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि पवन भाई को ये पीछे कर देंगे और यहाँ पे ये जीत जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से रुद्र भाई खाते हुए, ये देखिए किस तरह खाना चाहिए तो रुद्र भाई की तरह खाना चाहिए। देखिए किस तरह अजीब तरीके से खाते हुए हमारे रुद्र भाई बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पर 27 सेकेंड हो चुके हैं, टाइम का भी यहाँ पर ध्यान देना है आपको।
क्योंकि टाइम के हिसाब से भी आपको देना है। यहाँ पे 32 से 33 सेकंड हो चुके हैं और यहाँ पे रुद्र भाई ने चावल पूरा समाप्त कर दिया है। समाप्त करने के दौरान अभी यहाँ पे इनकी पीस भी बची हुई है, लेकिन आपको पीस भी इसमें खाना है, पीस भी खा करके दिखाना है, तो आप यहाँ पे पीस भी खा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए रुद्र भाई पानी पीते हुए, और अब यहाँ पे मुझे लग रहा है पवन भाई को ये पूरी तरह से पीछे करके यहाँ पे समाप्त कर देंगे। और यहाँ पे देखिए इनका चावल समाप्त हो चुका है और अब यहाँ पे देखिए ये पानी का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे 1 मिनट हो चुके, तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पीस को भी तोड़ना शुरू कर दिया है रुद्र भाई ने। अभी 1 मिनट 11 सेकंड हो चुका है और पीस को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे देखिए साफ़ करते हुए रुद्र भाई। तो आज यहाँ पे लग रहा है रुद्र भाई यहाँ पे इनाम की राशि जीत करके पवन को हरा करके अपने घर ले जाएंगे और भाई पवन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से निराश हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इन्होंने देखिए पीस को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से निचोड़ दिया है और एक एक पीस का यहाँ पे खाली करके, और आपको मुँह पूरा खोल करके दिखाना है रुद्र भाई, तभी यहाँ पे आपको वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपको इनवैलिड करके पवन भाई को यहाँ पे जिता दिया जाएगा। तो देखिए अभी रुद्र भाई कितनी स्पीड से खाते हुए हमारे चिकन को, और यहाँ पे पूरी तरीके से चिकन का भी मजा ले रहे हैं। और 1 मिनट 42 सेकंड यहाँ पे हुए हैं, मात्र 1 मिनट 42 सेकंड के अंदर रुद्र भाई ने यहाँ पे देखिए लगभग पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया है। मुंह भी खोल को आपको दिखाना है, पूरी थाली यहाँ पे आपको साफ भी करनी है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अभी आपके पास काफ़ी समय बचा हुआ है पवन भाई को हराने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखिए पवन भाई कुछ निराश होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और रुद्र भाई यहाँ पे देखिए पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई यहाँ पे तुरंत मुंह खोल के दिखा दो, आपका चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, टाइमर रोक दिया जाए, 2 मिनट 5 सेकंड के अंदर यहाँ पर रुद्र भाई जीत चुके हैं। तो अब पवन भाई बिना देर के हुए आप निराश होते हुए इनको पैसा जो है पकड़ा दीजिए। ये यहाँ पे देखिए रुद्र भाई हमारे जीत चुके हैं और यहाँ पे इनाम की राशि इनको मिल चुकी है। भाई कोई दिक्कत तो नहीं, पैसा मिल गया आपको? चलिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे तो अब यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।